रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला, ये सुबह आज के ही नज़ारे हैं और हम शिमला स्नोफॉल प्रेडिक्शन, मनाली स्नोफॉल प्रेडिक्शन के संदर्भ में भी बात करेंगे और दोनों के ट्रैफिक कंडीशन भी बताएंगे। जो ये खूबसूरत नज़ारे हैं, यह है अटल टनल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यह है मिलियांग होम स्टे। और हर पहाड़ी व्यक्ति की तरह यहाँ भी स्नो रिमूव का काम प्रारंभ हो जाता है और इस काम को करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मकान है जो है वो उसको नुकसान हो सकता है, बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है बाहर की वजह से। और ये कार्य आपको कैसा लगता है, आपकी नज़र से पहाड़ी जीवन कठिन होता है या सरल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रात भर स्नोफॉल होता रहा, मनाली और शिमला के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक कंडीशन भी अभी बताऊँगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, सपोर्ट कीजिएगा इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो और लेटेस्ट टूरिज्म न्यूज़ के लिए। और अब बात करें, जैसे कल रात को स्नोफॉल हो रहा था मनाली के मॉल रोड पर, शिमला में भी अच्छा स्नोफॉल हुआ, तो उसके बाद रेनफॉल हो गया है और लेटेस्ट सिचुएशन मॉल रोड की है, यह है कि वहाँ बर्फ़ है ही नहीं। जैसे ही स्नोफॉल पर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये जो स्नो है, बर्फ़ है, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। साइड में जहाँ थोड़ा थोड़ा आपको स्नो दिखाई देगा, लेकिन जैसे आज आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना स्नोफॉल होने के बाद स्नो चला कहाँ गया। तो इसलिए कई के कमेंट आते हैं कि मैं अभी पहुंचा हूं और बर्फ़ है ही नहीं, जो कल वाला वीडियो फर्जी दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार हो जाता है। तो आप स्नो मनाली के अंदर देखना चाहते हैं तो स्नो पॉइंट बना हुआ है नेहरू कुंड तक सभी को अलाउड किया जा रहा है। और ज़्यादा बर्फ़ देखनी है तो आप आगे जा सकते हैं सोलंग वैली, और यहाँ भी रुक सकते हैं। ये लाहौल स्पीति के नज़ारे हैं, मिलियांग होम स्टे है और सुंदरलाल जी के नंबर यहाँ की बुकिंग के लिए दे रहा हूँ मैं। और सुबह के नज़ारे आज के ही है। और मनाली का पैकेज बुक करना है तो आप व्हाट्सएप लिंक है हमारे रजत भाई, उनसे संपर्क कर सकते हैं मनाली के संदर्भ में। अब आपको स्नोफॉल के संदर्भ में, यदि आपने लाइव स्नोफॉल नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो 25, मैंने पहले भी बोला हुआ है, फरवरी का मैं अलग लेकर आऊँगा, 28 का भी बोला हुआ, 28 को भी होगा, 25 को भी होने वाला है। तो आप 25 के एक दो दिन एक्स्ट्रा लेकर आइएगा, आपको मॉल रोड तक स्नोफॉल मिल सकता है 24-25-26 के आसपास, थोड़ा सा क्योंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है और ये मनाली ले हाईवे की लेटेस्ट सिचुएशन है, बर्फ़ से ढका हुआ है, इसकी बर्फ़ रिमूव की जाएगी। आपका जो भी स्नो पॉइंट आपको पसंद है उनका नाम ज़रूर लिखिएगा, वहाँ आपको स्नोफॉल अब की बार 25 के आसपास निश्चित रूप से मिलेगी। और ये लेटेस्ट है, अटल टनल के स्लिपरी रोड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने जीवन का। और ये अटल टनल के आज के लेटेस्ट नज़ारे हैं और ये शिमला की लेटेस्ट अपडेट है, शिमला पुलिस द्वारा जारी की गई। हमारी अपडेट ज़रा भी पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।